जगह है जहाँ पे मंदिर के अंदर बरकत का अनुग्रह चाहिए। हम लोग उनका कल भाई पूछते हैं कि बरकत कैसे दिया जा रहा है। अपने भाई का नाम है शनिवार और ये बरकत भी कराए हैं। अरे भी में परे परे बिगड़े ये बकत है क्या दाम है सलमान भाई 400 रुपये से बकत बेच रहे हैं और ये घर का है घर का बकत है और बहुत अनंतार होता है बकत खाने के आपको पत्थर का बीमारी होता है जो भी होता है तो पत्थर गलता है आप मान जगाए और यहाँ से सस्ते दामों पर बकत ले जाए और देख सकते हैं ये दिखाते हैं आपको बहुत सारा बकत लेकर हैं पूरा करते हैं सलमान भाई का सारा बजट सरकार से आसाम तक और घर का ये आप लोग ये सारा 400 रुपये किलो है ये एक का एक बकत का 400 रुपया एक बकत का 400 सारा 400 रुपये और सलमान भाई बहुत मेहनत करते हैं कड़ी मेहनत करते हैं गाइस ऐसे लोगों को हमें करना चाहिए और इनका जितना भी सारा माल है इसका बता दें सलमान भाई को हम लोग अंदर कहते हैं सलमान भाई को हम लोग हमें जाने वाले हैं नंबर में तो आपसे मिलकर हम आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा आपको हम लोग बहुत अच्छा लगा दुआ हमारे से मुझे दुआ कर दीजिएगा जी दुआ कर देंगे मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि कम से कम कामयाब हो जाए बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे थैले का मार्केट है तो चलिए इस थैले के मार्केट में हम लोग थैले का प्राइस पूछते हैं और पूछते हैं ये कब से इस बाज़ार के अंदर थैले का बेच रहे हैं व्यापार कर रहे हैं तो चलिए हम लोग विभाग जाते हैं तो आपका क्या नाम हो भैया मेरा नाम अनिल इन भैया का नाम अनिल भाई साहब हुए तो आप ये बाज़ार कितने साल से लगा रहे हैं आप यहाँ हम लोग का चौथा पीढ़ी हो गया नहीं मतलब आपका कितना मतलब ये 10 साल 20 साल 30 साल आपको बता रहे हैं कि मेरा दादा की माँ यहाँ दुकान करती थी तो इनकी दादा की माँ यहाँ पे कौन हुई ये बता रहे तीन पीढ़ी फिर इनके दादाजी की है दादा के बाद मेरे अब्बा की है दादा इनके अब्बू की है इनके अब्बा के बाद अभी हम अब्बा के बाद इनके अब्बू के बाद इनके बेटे कर रहे अनिल भैया और ये इस बाज़ार के अंदर आप इस बाज़ार के अंदर क्या क्या बेचते हैं इस बाज़ार के अंदर क्या क्या बेचते हैं आप क्या चीज़ का मनिहारी मनिहारी में क्या क्या आता है मनिहारी का मुझे पता नहीं था गाइस कि मनिहारी का मतलब क्या होता है तो भैया अनिल भैया ने मुझे बताया कि मनिहारी का मतलब होता है आईना कंघी और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ताला चाबी और ये सिंदूर उंदूर है आप देख सकते हैं ये बिंदिया टिकली ये सब है मनिहार का काम और इनके तीन पीढ़ी से कर रहे हैं इनके चार पीढ़ी से यहाँ पे इनके घर वाले बाज़ार लगा रहे हैं और ये इनका चौथा पीढ़ी है तो चलिए दुआ करते हैं कि इनका बाज़ार अच्छा चले आज क्या हर दिन अच्छा चले और अच्छे से उनका बिक्री हो और ये सारा आप ही का है कि ये सिर्फ आपका है नहीं वो देख सकते हैं वो अलग में है भले साथी है लेकिन ये लोग अलग में है चलिए उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग ये सकते हैं लड़कियों के लिए औरतों के लिए और लेडीज़ों के लिए यहाँ पर बैग है वो जब पार्टी वेयर में जाते हैं पार्टी उटी में या फंक्शन वंक्शन में गाँव के लोग तो इस थैले को अपने साथ लेके जाते हैं खूबसूरती के लिए और अपने सर सामान के लिए जो वो लेकर जाते हैं आप देख सकते हैं महिलाओं के श्रृंगार के लिए टिकली बिंदी यहाँ पर लगाया जा रहा है बाज़ार और शाम तक इस बाज़ार में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी साफ सुन भी रहे साफ सुन तो यहाँ पे ठंडा विंटर आ चुका है ठंडे का ये सामान है क्रीम रूम क्रीम देख सकते बोरोलिन है फैंसी फेयर है और ब्लू एडन है ये सब ठंडों में त्वचा फट जाती है तो इसके लिए यहाँ पे
यहाँ पे ठंडे का क्रीम है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जाड़े का मौसम आ चुका है, गाल फटने लगता है, पैर फटने लगता है, इसके लिए यहाँ पे तरह तरह की क्रीम है जिससे त्वचा को नुकसान ना हो। बैग मार्केट है, यहाँ पे अलग अलग भागों में बांटा गया है, बैग के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग, हर कुछ के लिए अलग अलग है। ये सारा बैग, थैला, ये सब का मार्केट है, आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं, देखिए आईना, सकते हैं बैग का, ये सकते थैले का मार्केट है, बैग का है, ये देख सकते हैं 30,000 के अंदर बर्तन भी मिल रहा है, डेक्ची, कढ़ाई, कलछुल, सारा सामान पित्तल का है, चाय पित्तल का है और एल्युमिनियम का है और स्टील का सामान है। हम लोग बर्तन की दुकान पर आए हैं मंजर के, तो चलिए भैया से पूछते हैं कि इनके जो कब से ये बाजार इस बाज़ार के अंदर लगा रहे हैं और क्या क्या सामान बेचते हैं इस बाज़ार के अंदर। तो क्या नाम हुआ आपका भैया? बसंत। तो भैया का नाम बसंत है और आप यहाँ का कितना सालों से बाज़ार लगा रहे हैं? और ये अभी नए हैं इस बाज़ार के अंदर, और इस बाज़ार के अंदर आप क्या क्या बेच रहे हैं? बर्तन उतर जो घर का देख सकते हैं, बर्तन उतर है आप ठीक मेरे पीछे, घर का बर्तन और सारा सामान बेच रहे हैं, डेक्ची, कलछुल, ये सब बेच रहे हैं। तो चलिए दुआ करते हैं कि आपका अगर आज के दिन में आपका अच्छा बिक्री हो, तो ठीक है हम लोग चलते हैं ले भी सब। ये देख सकते हैं और मानजर का व्यू, अभी बाज़ार धीरे धीरे भरने वाला है क्योंकि अभी सुबह वक्त है, इसलिए बाज़ार अभी भीड़ नहीं है, ये बाज़ार पूरा भीड़ लग जाएगा। मैं आप लोग कुछ बात बताना चाहता हूँ, बचपन की बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे वो मौका मिला है आप लोगों से वो बात शेयर करने के लिए, और मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूँ। मैं और मांझी बाज़ार बचपन से आ रहा हूँ गाइस, जब मैं छोटा था मैं अपनी अम्मी के साथ उस बाज़ार के अंदर आता था, मेरी अम्मी बचपन में मेरी अम्मी सब्ज़ी बेचा करती थी गाइस, और मैं अपनी अम्मी के साथ आता था इस बाज़ार के अंदर बहुत, जब छोटा था, जब मैं 4 या 5 क्लास में पढ़ता था तो मेरी अम्मी मुझे लेकर आती थी इस बाज़ार के अंदर, और मैं इस बाज़ार के अंदर तो मुझे मेरी अम्मी बैठा देती थी। और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, अभी बन रहा है, देख सकते ठीक पीछे बन रहा है, वहाँ पे घर होता था, तो उस घर के अंदर मुझे मेरी अम्मी वहाँ पे बैठा के जाती थी और कहती थी कि तुम यहीं पर रहना बेटा, मैं सामान लेकर आती हूँ फिर हम लोग चलेंगे। और जब मुझे कुछ खाने का मन करता था तो गाइस तो मैं अपनी अम्मी से कुछ पैसे मांगता था, और यहाँ गाँव के बाज़ार में गुलगुल्ला मिलता है बहुत ही सस्ते दामों में, और चना और ये सब, तो मैं वो सब खाता था। अभी ये बाज़ार खाली इसलिए है क्योंकि ये सुबह का वक्त है, जब मैं खाता था गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं वो इस मैं लगभग 10 साल के बाद इस बाज़ार के अंदर आया हूँ, और मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं अपनी उन दिनों को याद कर रहा हूँ जो मैं बचपने में इस बाज़ार के वक्त लगभग मैंने भी 2 साल 2.5 साल 3 साल इस बाज़ार के अंदर मैंने गुजारा है, आया हूँ और अपनी माँ के साथ आया हूँ, तो मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ। ये मार्केट ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे अपनी अम्मी की वो कार याद आ रही है जो उन्होंने बहुत ही मेहनत से हम भाइयों को और बहनों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया गया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, यहाँ तक आया हूँ। तो आप लोग, ये कोई झूठी कहानी नहीं है गाइस, ये मेरी हकीकत कहानी है, मैं इस बाज़ार के अंदर बचपन से आया हूँ। ये बाज़ार मांझी बाज़ार, तो चलिए आप लोगों को मैं इस बाज़ार के घुमा देता हूँ क्योंकि ये बाज़ार मेरा जाना पहचाना बचपन का बाज़ार है, और मुझे बहुत देख सकते हैं मेरे फिर से बताता हूँ कि आप लोगों की किस खुशी लगती है गाइस कि मैं किस खुश होती हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ के साथ इस बाज़ार में आया, मैं अपनी अम्मी को याद करने के लिए। तो आज मैं घर जाऊंगा तो अपनी माँ को बताऊँ कि मैंने वो बाज़ार गया जहाँ पे हम लोग बचपन में आया करते थे सब्जी
लेकर और अपने घर के पास में सब्जी बेचते थे। गाय से हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की है सब्जी बेचने के लिए, और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करूँ, अपने समाज के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। इसलिए मैं इस कार्य के लिए और यूट्यूब बनाने के लिए मैं निकल पड़ा गाइस। तो आप इस